हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मायसेल्फ विजय यादव फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या वेरिएशंस होता है, क्या चेंजेस होता है जब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स प्राइस को वेरिएशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे हम लोग बीपी जानते हैं कि बीपी क्या होता है। लास्ट लेक्चर में वाले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। आज ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि बीपी क्या होता है। तो बीपी एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहां पर हमारा होता है टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट और सेल्स प्राइस, सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू या सेल्स प्राइस, तो वहां पर क्या होता है, बीपी एग्जिस्ट होता है। और बोल सकते हैं सिंपल वे में कि जो बीपी होता है वो ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट और जो लॉस है वो क्या होता है, वहां पे बैलेंस रहता है, जीरो रहता है। देन वहां से जो भी आगे का जो मूवमेंट होगा वो प्रॉफिटेबल एरिया होता है, और बिफोर उसके जो एरिया वो क्या होता है, लॉस एरिया में रहता है। तो एक क्या था आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था बीपी क्या होता है और बीपी कैसे होता है। ठीक है, तो बीपी में क्या हुआ, ठीक, हम ग्राफ के प्लॉट के थ्रू उसको देखेंगे कि कैसे ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या इसको बताते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ आपका बीपी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बीपी में है आपका ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस में आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसके बेसिस हम बनाते हैं। ठीक, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम वेरिएबल में चेंजेस नहीं होता है, दे आर एज इट इज, ओके। ठीक है, तो जिसमें क्या जैसा आपका सैलरीज है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, ठीक, तो ये जो कॉस्ट है सैलरीज है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है और जो अदर कॉस्ट है वो सब क्या होता है आपका फिक्स कॉस्ट है जो चेंजेस नहीं होता है, जिसमें आपका टैक्सेस है, ठीक है, इंटरेस्ट है, दीज ऑल आर फिक्स एंड फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होता है, या प्रोडक्शन के साथ क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसमें वेरिएशन होता है, उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। जिसमें आपको क्या है, पैकेजिंग कॉस्ट है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये टाइप के जो कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, ये सब क्या होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले बीपी का क्या करते हैं, एक बनाते हैं कैसे उसमें वेरिएशन होता है, क्या होता है करके। ठीक, तो मैं बीपी एक बना रहा हूं यहां पे डायग्राम, ठीक है, तो मैं इसे यहां पर बनाता हूं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट का क्या वेरिएशन आता है जब हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑन क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने से बीपी में क्या चेंजेस आ रहा है उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो उसको हम लोग ग्राफ के प्लॉट के थ्रू समझते हैं। ये हमारा हो गया क्वांटिटी वॉल्यूम, इधर हो गया आपका कॉस्ट या फिर इनकम,
कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है जो समय के साथ चेंजेस नहीं होता है। फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है उसमें क्या होता है, सेल्स इनकम, टोटल कॉस्ट। ये क्या होता है, सेल्स प्राइस, ठीक, सेल्स प्राइस, सेल्स रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो ये हमने क्या ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमें कि फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में जब हम लोग चेंजेस करते हैं तो हमारा बीपी में क्या इफेक्ट आता है। बीपी क्या होता है, ये बीपी है हमारा बीपी, इसके जो ऊपर का जो एरिया है ये हमारा प्रॉफिट रीजन है और ये हमारा क्या हो गया, लॉस रीजन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बीपी का ग्राफिंग। अब क्या करते हैं, जब हम लोग फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो जब हमने फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या चलेगा, ये क्लियर। बीपी ऐसा पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किया था, वहां पे क्या होता है, टोटल कॉस्ट और सेल्स प्राइस, सेल्स रेवेन्यू क्या होता है हमारा इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, इससे जो ऊपर का जो जो वॉल्यूम प्रोडक्शन सेल्स करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे या सेल्स करेंगे वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। और उससे कम का जो होता है वो हमारा लॉस होता है, ठीक। अब जब हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं फिक्स कॉस्ट को हमने जब क्या किया, इसको इंक्रीज किया, ठीक। फिक्स कॉस्ट को जब इंक्रीज करेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये जो टोटल कॉस्ट वन है ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा बीपी कहां से खुल जा रहा है, बीपी जो है, बीपी कहां से खुल रहा है आपका, यहां कहां पे, राइट हैंड साइड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अब शिफ्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन का है, देखो पहले जो प्रॉफिट के लिए था यहां तक था, अभी जो प्रॉफिट कहां तक हो गया, यहां तक हो गया है, तो प्रॉफिट इससे क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, दिख रहा है ना। सेम अब क्या करेंगे, सेम जब हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट को जब इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को मैं इजी से दिखाऊं, वेरिएबल कॉस्ट को जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी जो है सेम राइट हैंड साइड टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, किस केस में,
फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो है हमारा ये ऊपर चल जाता है तो बीपी जो है नीचे हो जाता है। यहाँ पे पहले ये बीपी था, ठीक है, अभी जो बीपी यहाँ हो गया है कम एरिया दिख रहा है, आपको ये जो एरिया कम एरिया है इसमें हमारा प्रॉफिट जो है डाउन हो गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं जब हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, जब फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो हमारे जो बीपी कहां से चला जाता है, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट 3। तो मेरा जब हम लोग क्या किया इसको डिक्रीज किया, इसको टोटल सॉरी फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को हमने डिक्रीज किया तो हमारा उससे क्या इफेक्ट होगा, टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। जब टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे क्या होगा, ये बीपी वन हो गया, ये बीपी टू हो गया, और ये हो जाएगा बीपी थ्री हो जाएगा। तो बीपी थ्री हो गए, हमका प्रॉफिट का जो मार्जिन क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है, टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जब डिक्रीज हो गया तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा जो बीपी बीपी इस केस में कहां से हो जा रहा है, जब ये इंक्रीज किए थे तब तक डिक्रीज के केस में क्या हो जाएगा बीपी ये हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसमें चेंजेस आता है, ये आपको चेंजेस आता है अगर आप फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस करते हैं। जब हम इंक्रीज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, टोटल कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाता है तो हमारे क्या होता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। कैसे होता है यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ से हो गए इस लाइन से यहाँ चले गए तो हमारा जो बीपी था वो यहाँ से यहाँ से हो गया तो हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो गया रिड्यूस हो गया। बस जब हम लोग कहते हैं दोनों को डिक्रीज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो हमारा जो टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है तो जो बीपी यहाँ से हो जाता है पर हमको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है ज्यादा मिलता है, इससे हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ऑन ब्रेक वन पॉइंट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेक वन पॉइंट में क्या वेरिएशन आता है जब उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है। सेम अब हम लोग क्या करते हैं ये तो हो गए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को चेंजेस, अब हम करेंगे हमारा जो सेल्स प्राइस है उस सेल्स प्राइस को हम लोग क्या करेंगे कम या ज्यादा करते हैं उससे क्या इफेक्ट आता है, ठीक। इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन सेल्स प्राइस ऑन बीपी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स प्राइस ऑन बी ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी शॉर्ट में बीईपी हो जाता है, ठीक है। तो जब हम सेल्स प्राइस में डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो हमारे बीईपी में क्या चेंजेस आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं, इनकम कॉस्ट या इनकम
फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट सेल्स प्राइस हमारा जो बीपी है ये हमारा बीपी यह हमारा हो जाएगा प्रॉफिट रीजन और यह हमारा लॉस रीजन। अब ठीक बीपी क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, सेल्स प्राइस और टोटल कॉस्ट वहां पे बीपी में और प्रॉफिट और लॉस भी होता है इक्वल होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जब सेल्स प्राइस क्या कर सकते हैं, सेल्स प्राइस तो सेल्स इनकम जब हम क्या करेंगे सेल्स प्राइस को इंक्रीज करते हैं, सेल्स प्राइस को जब हमने इंक्रीज किया तो हमारा जो बीपी की दर से छोड़ा है यहां से छोड़ा है। ठीक है, बीपी यहां से छोड़ गया तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स प्राइस जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेल्स इनकम भी बढ़ जाएगा सेम आउटपुट में, सेम आउटपुट में सेल्स प्राइस भी इंक्रीज करेंगे सेल्स इनकम बढ़ जाएगा, सेल्स इनकम बढ़ेगा तो हमारा जो ये लाइन हो जाएगा यहां कहा ये टुवर्ड्स लेफ्ट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो बीपी था वो यहां शिफ्ट हो गया तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जा रहा है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें ये इफेक्ट आता है। और सेल्स प्राइस को जब हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे जो बीपी है यहां बीपी थ्री तो यहां से यहां चले गए और यहां से यहां चले गए तो अब हमारा जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हो गया। तो इसे क्या होता है सेल्स प्राइस को जब हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा सेल्स इनकम भी डिक्रीज होता है सेम अमाउंट में। ठीक है, और जब दोनों डिक्रीज होता है तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है। तो ये क्या था हमारा वेरिएशन ऑन बीपी है थ्रू डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस। तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है रिड्यूस होता है क्योंकि जो बीपी है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जब उसको हम लोग कम करते हैं तो टोटल कॉस्ट कम होता है, टोटल कॉस्ट कम होता है इसलिए हमारे पास प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक, इसमें जस्ट अपोजिट है, सेल्स प्राइस अगर इंक्रीज करते हैं तो सेल्स इनकम बढ़ता है और सेल्स इनकम जब बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। सेम अगर सेल्स प्राइस को हम कम करते हैं तो सेल्स इनकम भी कम हो जाता है और उससे हमारा क्या होता है जो प्रॉफिट है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये आज की क्लास में था इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सेल्स प्राइस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू क्लास।